अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों कि गीबत क्या होती है, तो आइए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। हरकत करना, कोई इशारा करना, ये भी गीबत में आता है। मिसाल के तौर पर जैसे कोई बंदा आता है तो एक मखसूस सा इशारा आपने किया उसके बारे में जिससे आप हंसना शुरू हो गए, ये भी गीबत है। असल में देखें डेफिनेशन अगर आपके जहन में हो ना तो आपको पता चलेगा कि उसको पता चल गया ना आपने बात की है। और मैं आपको इसमें एक बात खास तौर भाइयों को बताऊं, ये हंसना जो है ना, स्माइल करना भी बाजू का गीबत में आ जाता है। मिसाल के तौर पर एक भाई आया बैठा हुआ है और आपने उसको देखे ना एक दूसरे को देख के स्माइल किया उसकी बात पे, आप मुझे खुद बताएं आपको ये बुरी लगेगी की बात करें। और जाहिर है अगर आप उससे वो बंदा आपसे पूछेगा आप क्यों स्माइल कर रहे हैं तो आप यार असल में हम कुछ और कह रहे हैं, आप बात फेरने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली है कि नहीं, ये भी गीबत। या अय्युहल्लज़ीना मनुजतनिबू कसीरन मिनज़्ज़न्न इन बादज़्ज़न्न इस्मु वला तजस्ससु वला यगतब बादुकुम बादन अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरहतुमूह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। जैसे कि दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देख ली हो, गीबत के बारे में थी कि अब जब हमारे पास कोई आता है और हम किसी को मजाक में हंस लेते हैं या कोई इशारा कर लेते हैं तो ये भी दोस्तों गीबत में आता है। तो अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से बचाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी कीमती राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।